इंडियन हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मास्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। रविंदर पाल सिंह कोरोना संक्रमित थे और लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में भर्ती थे। रविंदर पाल सिंह ने विवाह नहीं किया था, उनकी एक भतीजी है। सीतापुर में जन्मे सेंटर हाफ सिंह ने 1979 से 1984 के बीच शानदार प्रदर्शन किया। दो ओलंपिक के अलावा 1980 और 1983 में चैंपियन ट्रॉफी, 1982 में विश्व कप और 1982 में ही एशिया कप भी खेले। रविंदर 1979 जूनियर विश्व कप भी खेले थे और हॉकी छोड़ने के बाद स्टेट बैंक से स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। वहीं रविंदर के निधन पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे ये जानकर अपार दुख हुआ है कि श्री रविंदर पाल सिंह जी कोरोना से जंग हार गए। भारत ने मॉस्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम का एक स्वर्णिम सदस्य खो दिया। भारतीय खेलों में उनके योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं हॉकी इंडिया ने उनके असामयिक निधन पर शोक जताया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगबोबम ने कहा, हॉकी इंडिया रविंदर पाल सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। रविंदर ने भारतीय हॉकी में अपार योगदान दिया और उनकी उपलब्धियां हमेशा याद रखी जाएगी। इस कठिन समय से उबरने के लिए उनके परिवार और दोस्तों को ईश्वर शक्ति दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंदर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी श्री रविंदर पाल सिंह के निधन का दुखद समाचार मिला है। खेल जगत के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिजनों को इस गहन दुख को सहने की शक्ति दे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।